अरहर के खेत में मिला 32 वर्षीय युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आपको खबरों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अरहर के खेत में मिला 32 वर्षीय युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिलगा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर देवन के मजरा दत्तनगर गांव के बगल अरहर के खेत में 32 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ रिक्की राम पुत्र अशरफी लाल का शव अरहर के खेत में मिला है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार दत्तनगर गांव के ही कुछ लोग खेत के तरफ गए थे। लोगों ने शव को देखा और देखते ही वहां पर काफी लोग वहीं पर लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गांव व परिजनों को बुलाकर पहचान करवाई। परिजनों द्वारा मृतक की पहचान अनिल कुमार उर्फ रिक्की राम पुत्र अशरफी लाल के रूप में हुई है। वहीं पर पूछताछ के दौरान परिजनों द्वारा बताया गया है कि अनिल कुमार 17 अक्टूबर की देर रात से ही घर से लापता था। परिजनों ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चला। हम लोग उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटक ही रहे थे कि फोन आया कि अनिल कुमार का शव अरहर के खेत में मिला हुआ है। आनंद फान में परिजन मौके पर पहुंचे और शव को पहचान अपने बेटे के अनिल कुमार उर्फ रिक्की राम के रूप में की है। वहीं पर मौजूद स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और परिजनों को रो रो कर हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले? दत्तनगर के। ये यहाँ पे जो लाश मिली है, हाँ। कैसे है, क्या मामला है? भतीजा हमारा है सर जी। क्या नाम है उनका? रिक्की राम। कितना उम्र होगा? लगभग 30 साल। इनके पिताजी का क्या नाम है सर? और कैसे हुआ ये हादसा, कुछ बता पाएंगे? इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है जी। इसके बारे में कोई हमें वो नहीं है कि कब कैसे हुआ। हाँ। घर से लापता थे? हाँ, घर से वही 6:30 बजे के लगभग में यहाँ लापता हुआ है। किस दिन? आतवार दिन। तब से आप लोगों के द्वारा तलाश जारी किया गया, बहुत दूर तक ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, पूरा सामान ढूंढा गया जी। हाँ, तो आप लोगों को आज सूचना कैसे मिली? सोचना हम लोग ढूंढेंगे ना, तो यहाँ घर से फोन आवा है कि लौट या उठ मिल गए, तो हम लोग लौट के तब आए हैं। ताल बघौड़ा तक के ढूंढने गए थे। ठीक।